Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we discuss the status of physical education for PWDs in Pakistan. PWDs means person with disabilities, special persons की जो physical education का या education का status है पाकिस्तान में वो क्या है, आज हम उसको discuss करेंगे. ये स्पेशली BS स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए खास अहमियत का हमें टॉपिक है. उस लेक्चर को गौर से सुने ताकि उनको मुफीद मालूम मिल सके. इन पाकिस्तान द इशू ऑफ डिसबिलिटी हैज़ रिमेन्ड नेग्लेक्टेड एंड इग्नोर्ड फॉर ऑल द आस्पेक्ट्स विच इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव, फिनेंशियल एंड लीगल. पाकिस्तान में जो स्पेशल पर्सनस का इशू है, इसको डिसेबिलिटी का इशू है, ये अभी तक इग्नोर किया गया है, इसको निगलेक्ट किया गया है हर तरह से, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, फिनंशियल इशूज़ हैं और इनको लीगलाइज करने के बारे में भी बहुत सारे मिसाल हैं. पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर मोस्ट मार्जिनलाइज बिकॉज दे आर अनसीन, अनहर्ड एंड अनकाउंटेड इन द कंट्री. तो ये इन लोगों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, इनको देखा नहीं जा रहा, इनको सुना नहीं जा रहा, इनको गिना नहीं जा रहा. इट मीन्स we have not appropriate data for the special persons. There are no serious attempts by the government to conduct a comprehensive survey to assess the problem of the person with disabilities. And government ki taraf se koi hame koi special attempt ya question nazar nahi aa rahi ki comprehensive kism ka survey kiya jaye taki in logon ki jo mehroomiyan hain unko hum dekh sake. In the absence of data, it is difficult to gauge and understanding the scale and magnitude of the problem being faced by women, children and religious minorities. पूरी दुनिया में मर्दमशुमारी इसीलिए की जाती है ताकि वो डाटा इकट्ठा किया जा सके कि हमारे मतलब की आबादी कितनी है, उसकी ज़रूरत क्या है और हमारे मिसाइल क्या हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आगे वाली आइंदा के लाहे अमल इख्तियार कर सकें. तो बिल्कुल इसी तरह स्पेशल पर्सन की जो कोई ख़ास डाटा नहीं है हमारे पास पाकिस्तान में, ताकि उनको जो उनको प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं बच्चे, औरतें या मिनॉरिटीज़ जो हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं वो हम नहीं जान सकते, ना ही उनका कोई हल निकाल सकते हैं. Understanding situation of women, children and minorities with disabilities is extremely important because these categories of PWDs are lowest above social, economic and cultural marginality. इनके मतलब डाटा बहुत ज़रूरी है, औरतें, बच्चे, मिनॉरिटीज़ जो डिसबिलिटीज़ के साथ हैं, क्योंकि वो बहुत ही लोएस्ट लेवल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं. जनरली इन पाकिस्तान सोसाइटी वुमेन, चिल्ड्रन एंड मिनॉरिटी ग्रुप्स आर सप्रेस्ड एंड अप्रेस्ड. उनको बहुत दबाया जाता है, बहुत लो लेवल की वो कहते हैं कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं. दे कैन नॉट स्पीक फॉर देयर राइट्स एंड नॉट इवन रिजिस्ट अगेंस्ट सेक्शुअल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज एंड एक्सप्लोटेशन. तो उन वो ना वो बोल सकते हैं अपने राइट के लिए, ना वो अपने अपने खिलाफ होने वाली जो सेक्शुअल या फिजिकल या साइकोलॉजिकल किस्म की जो भी उनके राइट्स को दबाया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है, उसके लिए वो बोल नहीं सकते. दिस पेपर ब्रीफली डिस्कस ऑन सम जेनरिक एरियाज अबाउट PWDs एंड देन स्पेसिफिक एंड इनलाइटेड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड विद वुमेन, चिल्ड्रन एंड मिनॉरिटी विद PWDs. ये जो आर्टिकल है या ये टॉपिक है, इसके मतलब है कि इन औरतों, बच्चों और जो मिनॉरिटीज़ के लोगों के साथ जो सलूक होता है उसको इनलाइट किया जा सके, उनको बताया जाए लोगों को, ताकि वो उसके बारे में जो साहब इख्तियार लगे वो कुछ कर सके. स्टेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पाकिस्तान, अब ये 18 अमेंडमेंट की बात आ गई कि 18 अमेंडमेंट के बाद ये सूबों की जिम्मेदारी थी इन मामलों को देखने की. आइए ज़रा देखते हैं व्हाट सेज अबाउट फिजिकल एजुकेशन फॉर PWDs. इन 18 अमेंडमेंट constitutional amendment and the right of person with disabilities in the wake of the 18th constitutional amendment in 2010, there have arisen more ambiguities in role
and responsibility between the federal and provincial government, and problem of PWs as doubled. अब यहाँ पे ये बात बताने की कोशिश की गई है कि 18वीं तरमीम जो कि 2010 में हुई थी उसके तहत ये हेल्थ एंड एजुकेशन ये प्रायोरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है सूबों की, ना कि फेडरल की. तो यह कह रहा है कि इसके बारे में कुछ डाउटफुल चीज़ें जो सामने आई हैं कि ये दोनों के डबल माइंडेड सी सिचुएशन हो गई है, ये किसकी जुम्मन. After the 18th amendment, the disability and associated matters to it had become a provincial subject. 18th amendment के बाद ये सूबे की जिम्मेदारी हो गई है. वो स्पेशल एजुकेशन को जिस तरह बाकी एजुकेशन को देखता है उसको भी इसके लिए भी सूबा ही काम करेगा, ये फेडरल की जिम्मेदारी नहीं. देर इज अ नो सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन एंड डाटा गैदरिंग मैकेनिज्म एफर्ट्स आर टेकन बाय द फेडरल. अब सूबे और फेडरल के दरमियान कोई ख़ास मैकेनिज़म नहीं है डाटा कलेक्शन का कि वो डाटा शेयर करें. जिस तरह मर्दमशुमारी में डाटा लिया जाता है इन लोगों का भी, तो वो सूबों के साथ शेयर किया जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देर इज नो सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन डाटा गैदरिंग मैकेनिज्म एफर्ट इन फेडरल प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी आर सो स्कैटर्ड. ये बहुत है मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं, इनके पास कोऑर्डिनेशन नहीं है. आर प्रोविंसेस एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आर रिस्पॉन्सिबल टू डील विद द एम्प्लॉयमेंट रिहैबिलिटेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पीडब्ल्यूडीज. द रेलेवेंट लॉज हैड टू अडॉप्टेड बाय द प्रोविंसेस सच एज डिसेबल पर्संस एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 इज अ मेजर नेशनल लॉ दैट डील्स विद द एम्प्लॉयमेंट रिहैबिलिटेशन एजुकेशन ट्रेनिंग of the person with disabilities. Only Province Punjab has adopted it in 2012. तो ये employment rehabilitation disabled person के हवाले से एक ऑर्डिनेंस है जिसको जो 1981 का है तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब ने 2012 में अडॉप्ट किया. तो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन मीन्स के किसी के कोई स्पेशल पर्सन है उसको अफेक्टेड होने के बाद तो सेहतमंद होने का अमल जो उनको आम जिंदगी की तरफ लाने का अमल है रिहेबिलिटेशन है. However, this paper deals with a general term rather than specific terms covering issues of women, girls. However, information in bits and pieces suggested the situation of statistics. In Pakistan, there is a no updated statistics on the number of persons with disabilities and specific. There are no updated statistics on women and girls with disabilities and what type of disabilities they are affected. पाकिस्तान में डिसेबल पर्सन के हवाले से ना डाटा है ना कोई स्पेसिफिक डाटा है. आम जनरली तो है लेकिन ना कि वुमेन और औरतों और लड़कियों के जो डिसेबल हैं और वो किस डिसेबिलिटी, क्योंकि चार किस्म की डिसेबिलिटीज हम उनको हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है. और यही वजह है सबसे बड़ी, जब हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हमें पता नहीं है कि हम किसी तहसील में किसी डिस्ट्रिक्ट में इनके हवाले से कोई हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, कोई स्कूल बनाना चाह रहे हैं. तो हमें पता होना चाहिए कि हम स्कूल के अगर वहाँ बच्चों की डिसेबल बच्चों की तादाद 1000 हैं तो हम उसके मुताबिक स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कोई भी चीज़ उनको दे सकते हैं, घर दे सकते हैं. लेकिन अगर हमें इलम नहीं है तो हम की तादाद कितनी है तो हमारे लिए बहुत सारे मसाइल होंगे कि हम इन लोगों को कैसे अकोमोडेट करें. डिसेबिलिटी हैज़ रिकॉग्नाइज एंड इंक्लूडेड द सेंसस. However, statistics on disability suffer from inadequate such as lack of standardized definitions. अब यहाँ ये बात हो रही है कि जो मर्दमशुमारी की गई उसमें डिसेबल पर्सन हैं उनको शामिल तो किया गया लेकिन उसके बारे में कोई वाज़े डेफिनेशन मौजूद नहीं थी. जो अमला जो मर्दमशुमारी कर रहा था उन्हें बहुत सारे मसाइल आ रहे थे कि किस बंदे को हम डिसेबल में लिखेंगे, किसको नहीं लिखेंगे. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन estimate the disability for the developing countries including Pakistan were found to be 10% of the total population, but old national population census 1988 says that 2.9% of the total population was disabled in Pakistan. The World Health वो कहता है कि 10% होती है लेकिन हमारा जो 2018 से पहले की जो मर्दमशुमारी है 98 की मर्दमशुमारी उसमें ये डेटा 2.9% बताया गया कि 2.9% हमारी जो आबादी है वो स्पेशल पर्सन है. ऑफ विच 8.0% वर ब्लाइंड
78% were deaf, mute, 18.93 disabled, and 43.37% others from the total disabled population were in rural areas and 34% in urban areas. The highest number of the persons with disabilities were reported in Punjab, followed by Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. ज़ाहिर सी बात है, जब पंजाब सूबे का मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है तो सबसे ज़्यादा लोग डिसेबल भी वहीं से ही। The disabilities in Pakistan categorized into physically handicapped, ये चार बड़ी categories हैं, hearing impairment है, visual impairment and mental retardation है। Further, these are classified as mild, moderate and severe profound, यानी इसको हम माइनर कह लें, दरमियानी कह लें या सेवर बहुत ज़्यादा है, इनमें भी आगे कैटेगरी हो सकती हैं, माइनरी ब्लाइंड है या मॉडरेट है या फुली। एज देयर आर वेरियस नॉन काज ऑफ डिसेबिलिटी सो आर नॉन एग्जैक्ट सेंसेस ऑफ इट, देयर आर चांसेस दैट डिसेबिलिटी अकर्स ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस कॉजेस। जनरली देयर आर नॉन टू two main cause of disabilities, number one biomechanical, constitutional and two social, cultural and environmental। ये causes बताए गए हैं कि disability के कौन कौन से, ये दो बड़े causes जिनको discuss किया गया है। The first one originate within the body of the person and second one is the inference of causes that originate outside the body including person's lifestyle एंड बिहेवियर। एक तो कुदरती तौर पर हो सकती है, दूसरा ये है कि बाद में भी ये डिसेबिलिटी हो सकती है। डिसेबिलिटीज कैन बिगिन एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ विच में प्रीनेटल न्यूरोनेटल इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड एडल्सन अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। ये पैदाइशी भी हो सकती है, पैदा होने से पहले जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है उस वक्त भी हो सकती है, पैदाइश होने के बाद भी हो सकती है। इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड ये 0 से 8 ईयर और 8 से 14 साल, एडोल्सन लड़कपन है, अडल्टहुड है ये 18 साल की उम्र है, एंड ओल्ड एज आफ्टर 18 ईयर या उससे के बाद भी, यानी ये किसी भी उम्र में हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई उम्र ख़ास उम्र नहीं है, या तो पैदाइशी हो सकती है या उसके बाद उम्र के किसी हिस्से में भी डिसेबिलिटी हो सकती है, कुदरती तौर पर भी हो सकती है और किसी एक्सीडेंट इंसीडेंट की वजह से भी हो सकती है। तो इसके बारे में इंटरनेशनल लॉ मौजूद हैं, दी इंटरनेशनल लेजिस्लेशन ऑन 12 नंबर 1990, द पाकिस्तान रेटिफाइड कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड विच रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन आर्टिकल 2 पैरा नंबर 1 आर्टिकल 23, दीज आर्टिकल अप्लाई ऑन ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग गर्ल्स। ऑन मार्च 1996 पाकिस्तान रेटिफाइड द कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन against women and is not directly talking about the right of women and right with disabilities। On 21 of the October 19, ये different laws जो internationally हैं और nationally हैं जिनको पाकिस्तान में मुख्तलिफ अवकात में पाकिस्तान ने उनको एडमिट किया है और उनको endorse किया है कि हम इन पर अमल करेंगे और अमल, और ये internationally जो कवानीन हैं, ज़ाहिर सी बात है हम मुस्लिम community का कम्युनिटीज़ बास बॉडीज़ का हिस्सा भी हैं, तो वो हम पर लागू होते हैं, जिनको जिन पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी भी है। नेशनल लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी, पाकिस्तान ने कौन कौन सी नेशनल इस पर लेजिस्लेशन की है, जी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेट साइलेंट अबाउट द राइट ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटीज इन One sense, their rights can be seen equal to all other citizens who are without any disabilities। तो यहाँ उनके हिस्से जो उनके हकूक हैं वो बराबर हैं उन लोगों के, मोस्टली तो साइलेंट है कि हमारा 1973 का आइन उनके बराबर है। हाउएवर द आर्टिकल 38 डी टॉक्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलबींग ऑफ द पीपल बाई द स्टेट, इट से दैट द स्टेट हैज प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड रेस एज अ परमानेंटली और टेम्पोरली अनएबल टू अर्न देयर लेवलीहुड वेलबींग ऑफ द पीपल बाई स्टेट
It says that state has the provide the basic necessities of life such as food, clothing, housing, education and medical relief for all such citizens irrespective of sex, caste, creed or a race as a permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness and unemployment. The article provides protection to all persons with disabilities including women and girls. ये बाकी 1973 के आम के आर्टिकल 38 का जो डी सेक्शन है वो ये बताता है कि तमाम जो इस मुल्क के रहने वाले बशिंदे हैं वो खा मर्द है औरत है नॉर्मल पर्सन है या डिसेबल है उन तमाम के लिए तमाम उनको हकायक हासिल हैं कि वो जिस तरह का मर्जी खाना खाएँ कपड़े पहने घर में रहें तालीम हासिल करें मेडिकल की सहूलियात लें बजाय इस किसी की तमीज़ के वो किसी मर्द हैं औरत हैं मेल है फीमेल है शी मेल है या किसी जात से उनका तल्लक है वो उनका मजफ़ा कुछ भी है तो कानून उनको बराबर का हक देता है द पाकिस्तान पीनल कोड 1896 सेक्शन 332 ऑफ द पीपीसी द एक्ट ऑफ द डिसेबलिंग द ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ समवन इज कंसीडर्ड हर्ट विच कैरीज अबाउट 10 ईयर्स इम्प्रेशन तो यानी वो जो 10 साल के लिए किसी भी उस जो जो अज़ा है यानी समझ लें कि वो काम करने के काबिल नहीं है तो उसको डिसेबल करार देता है 1860 पाकिस्तान पीनल कोड 1860 की सेक्शन 332 के मुताबिक द डिसेबल पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 द ऑर्डिनेंस लेड फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन केयर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन द कंट्री The ordinance defines the disabled person who, on account of injury, disease, or contingental deformity, and is handicapped for undertaking an gainful profession or employment in order to earn his livelihood, and includes persons who blind, deaf, physically handicapped, and mentally retarded. The ordinance provide to be a create funds and establish a national council for the rehabilitation of disabled person and is made mandatory to employ 2% disabled persons in the public sector. The national council rules were notified in 1983. The national council for the rehabilitation of disabled person. The council was mandated to the formulating policy. For the employment, rehabilitation and welfare of the disabled persons. तो disabled person employment and rehabilitation जो ordinance 91 है इसके तहत है जो council कायम की गई और इसी council के तहत आजकल जो आप देख रहे हैं public service commission federal है या पंजाब है या different जो institution हैं जो अपनी advertisement देते हैं job की तो उनमें 2% quota जो है वो डिसेबल पर्सन का होता है पर्सन विद स्पेशल नीड्स का होता है ये इसी जो काउंसिल द नेशनल काउंसिल फॉर नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबल पर्सन जो बनाई गई थी तो उसने 1983 में नोटिफाइड किया उसी उन्हीं की बेस पे अब जो है नई जॉब्स जो हैं 2% कोटा दिया जाता है द नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2002 It is a comprehensive document that has a vision, guiding principles, and strategies to achieve the objective leading to the empowerment of the person with disabilities. Since the disability in cross-cutting, overreaching, multidimensional, and multidisciplinary subjects, therefore the policy was prepared in constant that the relevant ministries, including health, labor, and power, housing, and works. Science and Technology and departments and prominent NGOs. The policy included administrative, legal and other measures for providing facilities to the person with disabilities from prenatal to the postnatal period through the proper assessment, education, vocational training and equipment. 2002 की जो national education national
पॉलिसी फॉर दिस पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, इसमें उसको बड़े उसका बड़ा क्लियर विजन है, जिसमें गाइडलाइन दी गई हैं, जिसमें स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं कि किस तरह हम अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, डिसेबिलिटीज़ को कैसे कम किया जा सकता है। बेशक एक वो कह रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इशू है, तो मुख्तलिफ़ जिसमें लेबर है, एम्पावर है, हाउसिंग एंड वर्कर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये तमाम मिनिस्ट्रीज़ और जो प्रोमिनेंट एनजीओज़ हैं उन्होंने मिलकर एक पॉलिसी बनाई है कि जो प्री नेटल से लेकर पोस्ट नेटल यानी शुरू से लेकर एंड तक जो पीरियड है उसका असेसमेंट का या एजुकेशन का और वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये तमाम के तमाम चीज़ें इसके ज़रिए की जाएंगी और जो डिसेबिलिटीज़ है उसको कम से कम किया जाएगा। द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन टू इम्प्लीमेंटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 आफ्टर 4 years द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन वॉज इंट्रोड्यूस टू द ऑपरेशनलाइज द नेशनल पॉलिसी फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। द रिमेन्ड लैक ऑफ ओनरशिप फॉर द कोऑर्डिनेशन एजेंसीज बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड पर्टिकुलरली एट प्रोवेंशियल लेवल। अब ये उसके 4 साल बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया ताकि जो भी नेशनल पॉलिसी थी उस पर अमल किया जा सके और उनके दरमियान जो मुख्तलिफ अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बहाल किया जा सके। द नेशनल प्लान एक्शन वाज इन इंटेग्रेटेड ऑपरेशनल अप्रोच टू द एम टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ एक्सेस इंक्लूजन एंड इक्वलाइजेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज बाई यूजिंग ऑल पोटेंशियल रिसोर्सेज। तमाम जो रिसोर्सेज हैं, तमाम जो मैसर मिसाइल हैं उनके ज़रिए से तमाम डिसेबल पर्सन को यकसा मसावी हकूक दिए जा सकें। द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन हैज़ आइडेंटिफाइड 17 क्रिटिकल एरियाज इन मेंशन फ्रॉम द असेसमेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम्स। सेवन सिस्टम इन स्पेल्स आउट शॉर्ट टर्म स्टेप्स टू टेक द एंड ऑफ द जून 2009 एंड लॉन्ग टर्म ईयर टू द अडॉप्टेड टू जुलाई 2025 अगेंस्ट ईच एक्टिविटी डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज। शॉर्ट टर्म गोल जो थे 2009 तक 2006 से उनको अडॉप्ट करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाई गई और लॉन्ग टर्म गोल 2025 तक इस मसले के हल के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी गई। सम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान इंक्लूडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेटा बैंक, इनका डेटा इकट्ठा किया जाए, सिंपल सर्वे ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं वहाँ पे लोगों से सर्वे किया जाए, रिडक्शन इन इंसिडेंट्स ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंटिव केयर्स, उन वाकयात को इंसानियत को रोका जा सके जिनकी वजह से डिसेबिलिटीज़ पैदा हो रही हैं, स्ट्रेंथनिंग एंड डिसेबिलिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, और डिसेबिलिटी प्रिवेंशन के जो प्रोग्राम इनको मजबूत किया जाए, अरेंजमेंट फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशन, स्केलिंग मेडिकल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, मेडिकल की जो सर्विसेज हैं वो मुहैया की जाएँ ताकि पहले से डायग्नोज किया जा सके, प्रोमोटिंग इंक्लूजन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो आम बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को तालीम दी जाती है उस वो दी जाए ताकि जो स्पेशल जो बर्डन बहुत ज़्यादा है बच्चों का स्पेशल स्कूलों के वो कम हो सके, स्पेंडिंग एंड री एनफोर्सिंग वोकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाए वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ, तो जी द एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो खुद काम कर सकें, लेजिस्लेटिव सपोर्ट टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनको कानूनी तरफ दिया जा सके, बूस्टिंग अप द पब्लिक ओपिनियन एंड इंक्रीजिंग सपोर्ट टू द एनजीओज, और उनको एनजीओज को सपोर्ट किया जाए जो इन लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। वेयर एज द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स क्रिएशन ऑफ बैरियर फ्री फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर पीडब्ल्यूज, उनके लिए जो फ्री फिजिकल एनवायरनमेंट है वो मुहैया किया जाए जो उन्हें आगे बैरियर जो उनके तकलीफ हर्डल्स आती हैं उनको खत्म किया जाए, पब्लिक प्राइवेट एंड कमर्शियल बिल्डिंग एंड पब्लिक प्लेसेस एंड रिवीजन ऑफ द कंस्ट्रक्शन बाय क्लॉज, हर जगह पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे भी है कमर्शियल बिल्डिंग है वहाँ पे भी उनके लिए सहूलियात मुहैया की जाए, मोर इफेक्टिव एनफोर्समेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ सोशल असिस्टेंस एंड सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ वुड बी बेनिफिशियल, और जो भी कानून मौजूद हैं सोशल सिक्योरिटी के उनके ज़रिए से उनको जो भी कानूनी फ़ायदा पहुँच सकता है वो उनको
दिया जाए। द स्पेशल सिटीजन बिल 2008, द बिल एम टू प्रोवाइड राइट्स ऑफ एक्सेस टू द पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू एवरीवेयर एवरी पब्लिक प्लेस विच इंक्लूड फैसिलिटी ऑफ एक्सेस ऑफ व्हील चेयर इन ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स एलोकेशन ऑफ सीट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर स्पेशल पर्सन्स। ये हमारा 2008 का पब्लिक सिटी स्पेशल सिटीजन बिल है जिसमें स्पेशल पर्सन को हर जगह पे जाने की एक्सेस है, बस में कहीं बिल्डिंग में तो व्हील चेयर भी ले जा सकता है और अगर कहीं बिल्डिंग में है तो उसके लिए अलग से, ट्रांसपोर्ट में है तो उनके लिए अलग से, ऑन द फुटपाथ फॉर द व्हील चेयर्स एंड ब्लाइंड पर्सन्स एंड प्रायोरिटी वाइल क्रॉसिंग द रोड्स उनको प्रायोरिटी दी जाए उनके लिए, ये कानूनी हैसियत है। द स्पेशल सिटीजन राइट टू द कंसेशन एंड मूवमेंट बिल 2009, दिस प्राइवेट मेंबर बिल एंड एम टू प्रोवाइड concession rate to the person with disabilities also provide a member bill was submitted to the National Assembly of the Pakistan which basically need to change the provide ordinance 90 of 1981 into act only for the Islamabad Capital Territory. It was called the Disabled Person Employment and Rehabilitation Act 2012. All these bills lapsed after the dissolution of National Assembly. The bill have to be reviewed and then submitted in the next legislation assembly. यहाँ ये ऑर्डिनेंस ऑफ एक्ट की बात थोड़ी सी हो रही है, वो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ऑर्डिनेंस है जब कभी जब कहीं भी असम्बली का अजलास नहीं हो रहा, जहाँ कहीं भी पार्लियामेंट का अजलास नहीं हो रहा। पार्लियामेंट दो समय मुश्तमिल है, ईवान ज़ेरी पार्लियामेंट है नेशनल असम्बली और ईवान बाला सेनेट। और जब कभी भी ये पार्लियामेंट का अजलास नहीं हो रहा तो सदर ऑर्डिनेंस के ज़रिए से कोई भी बिल जो है कानून वो बना सकता है, लेकिन उसके वो असम्बली से मंजूरी लेना ज़रूरी है। जब वो असम्बली से मंजूर हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, कानूनी हैसियत अख्तियार कर देता है। द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन रेस्ट ऑफ द 18 कॉन्स्टिट्यूशन इन 2010 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन वॉज इन रिजल्ट ऑफ वॉज डेवलप विच वॉज डीलिंग विद issues related to the disability are responsible and coordination with the incorporated bodies and departments in Pakistan for care, education, training and rehabilitation of persons with disabilities. 2010 के बाद जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन, इनका काम था कि ये लोग ये काम कर रही थी, बल्कि लोगों डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रही है, उन लोगों के साथ डीलिंग कर रही है और किस तरह जो रिहैबिलिटेशन है स्पेशल पर्सन की वो भी की जा सके, वो भी सेहतमंद होके, मतलब ये कि तंदुरुस्त तवाना एक शहरी बन के हम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सके। इट कम्युनिकेट ऑल पॉलिसी डिसीजन टू ऑल डिसीजन टू द ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तमाम चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हैं या प्राइवेट है, उन सब पे इसका अमल होगा। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन transferred to the Ministry of Human Rights which is taking care of the implementation of the Convention of Rights of the Public and the Disabilities. Besides the MOHR, the National Communication State of Women is responsible for looking after the right of women with disabilities. However, after the devolution, there has been a witness confusion in the role of the responsibilities between provincial and government and federal government. National Plan for Action for Women. Pakistan is respected national United Nations International Year of Disabled Persons had established following four Center of Children in Islamabad in 1982. National Special Education Center for Intellectual Challenged Children, National Special Education Center for Hearing Impaired Children, National Special Education Center for Visually Handicapped Children and National Special Education Center for Physically Handicapped Children. There are four categories of disabled person. In 1985, the director of then the President of Pakistan, the Director General of Special Education was set up in Islamabad, attached department of the Ministry of Health, Social Welfare, Special Education, which aimed specifically for the development of facilities for person with disabilities. In 1985, May, डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन जो कि इस्लामाबाद में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सोशल वेलफेयर और स्पेशल एजुकेशन, जिनका मकसद यही था
के लोगों के लिए स्पेशल पर्सन को सहूलियात दी जा सके, उनको फैसिलिटेट किया जा सके। आफ्टर द 18 अमेंडमेंट द डायरेक्टर जनरल जियोग्राफिक स्कोप हैज़ बीन लिमिटेड टू द इस्लामाबाद एंड प्लेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट डिवीजन एंड ऑल्सो द नेम ऑफ हैज बीन चेंज इन टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर विच वॉज फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स कंप्यूटराइजेशन ऑफ नेशनल ब्रेली प्रेस एट NSEC फॉर BSc इस्लामाबाद कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग कॉलोनी ऑफ टेक्निकल टीचर स्टाफ ऑफ DGS Phase 7 इस्लामाबाद एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल्ड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर इस्लामाबाद द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लाफलाफना। तो यहाँ पर यह था कि पहले ये इस्लामाबाद में डायरेक्टर जनरल था जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट था, जिसका मकसद ये था कि स्पेशल लोगों को सहूलियात दी जा सके, लेकिन आफ्टर द डेवोल्यूशन 18 अमेंडमेंट के बाद ये उसकी जिम्मेदारी नहीं रही बल्कि ये सूबों की जिम्मेदारी होगी। बिफोर डेवोल्यूशन द वेरियस मिनिस्ट्रीज इन रिजल्ट ऑफ 18 अमेंडमेंट इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर हेल्थ एंड एजुकेशन देयर वर वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूशन फंक्शनिंग एट द फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद अंडर द सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के अंडर थे। द स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज नॉट येट क्लियर। दीज इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1968 विच डेवलप कैरिकुलम एंड कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर SC टीचर्स इन ऑल 427 डिसिप्लिन्स। नेशनल काउंसिल फॉर रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबल पर्सन्स founded in 1982 implemented and monitored the implementation of 1981 the national mobility and independence training center for the visually handicapped conducted the course on mobility and independence of visually handicapped national training center for special persons 1986 established with aim to provide a vocational rehabilitation to the person falling under the visual impairment and hearing impairment national special education center Library and Resource Centers 1981 is working as resource center for the print and audio visual aids on special education and disabilities. ये different ये councils हैं, National Council for Rehabilitation Disabled Person 1982 है, इसके बाद 81 है जो handicap बच्चों के लिए था, जो ज़हनी कह सकते हैं जिस्मानी मजबूर हैं, जो कि समाज से महरूम हैं, जो विजुअल एम्पेयर हैं, इन तमाम के लिए डिफरेंट टाइम में 1986 में 97 में 98 में तो ट्रेनिंग्स वगैरह उनको उनकी हियरिंग एम्पेयरमेंट को बेहतर बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन सेंटर जो है लाइब्रेरी है सोर्स सेंटर है वो भी काम कर रहे हैं। वर्किंग है सोर्स फॉर द प्रिंट एंड ऑडियो वीडियो एड्स जो ऑडियो वीडियो एड्स जो उनको पढ़ाने के लिए दी जा सकती हैं वो मुहैया कर रहे हैं। National Trust for the Disabled Person 98 means to ensure implementation and coordination of the service of diagnosis, assessment, treatment, education, job placement and rehabilitation of the person with disabilities. तो जो National Trust for Disabled Person 1988 में बनाएगी तो उसका यो ये इस बात की यकीनी कोशिश कर रही है कि इस पर पूरा अमल किया जा सके और मुख्तलिफ अदारों के दरमियान कोऑर्डिनेट किया जाए, इनकी सर्विस को बेहतर किया जाए और इसमें डिसेबिलिटी होने की वजह वजूहात को डायग्नोज किया जाए, असेस किया जाए, इनका इलाज किया जा सके, इनकी तालीम और जॉब के हवाले से बेहतर इकदाम किए जा सकें और इनकी रिहेबिलिटेशन वर्किंग जो है उसको प्रमोट किया जा सके। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन थ्रू स्किल ट्रेनिंग एंड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटीज एंड 531 डिसेबिलिटी वाइज स्पेशल एजुकेशन स्कूल इंस्टीट्यूशन वर वर्किंग इन द एंड ऑफ 2006 के एंड पर 571 पाकिस्तान में डिसेबल पर्सन के जो स्कूल थे वो काम कर रहे थे। इससे रेलिवेंट और भी डेटा आपको मिल सकता है। तो ये आज का ये हमारा टॉपिक था कि स्पेशल पर्सन के लिए जो फिजिकल एजुकेशन का स्टेटस है या उनके लिए फैसिलिटीज़ का जो स्टे पाकिस्तान में स्टेटस है वो क्या है। तो यहाँ सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन के इंसेंटिव का जिक्र है, चैलेंज कंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशन जो हैं वो बताई गई हैं कि किस किस तरह से हम इनको
अपनी अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं पाकिस्तान में स्पेशल एजुकेशन के बारे से। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक काम पजीर हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और मान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।